हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये आईडी सोलर ग्रुप की है। आईडी ओपन करने के बाद में आपको जैसे कोई नॉमिनी जोड़ना है उत्तराधिकारी की और या फिर बच्चों को जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और प्रोफाइल पर जाएंगे। यहाँ पर तो प्रोफाइल में देखेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और ये सत्यापन है। यहाँ पर यदि आपने ईमेल एड्रेस अपडेट करने आ रहा हो तो यहाँ पर भले ही ईमेल एड्रेस वही रखिए या दूसरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर नहीं ऐड किया है तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं और अपनी आईडी को फिर से उसका केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुनर्सत्यापन री केवाईसी का यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये उत्तराधिकारी है, एक उत्तराधिकारी जोड़ें। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा नाम और जन्म तारीख, ईमेल, दस्तावेज श्रृंखला यानी संख्या, दस्तावेज श्रृंखला संख्या डालनी है, जारी करने की तिथि यहाँ पर, ठीक है, और डाल देनी है वैधता, यहाँ पर डाल देना है, जारीकर्ता, टिप्पणी यानी जो आपने पैकेज लिया उसके बारे में यहाँ पर लिखना है और कुछ यहाँ पर टिप्पणी है यहाँ पर लिख देना है कि जैसे ऐसे तो किसी को कुछ ना हो, भगवान ना ऐसा चाहे कि किसी को कुछ हो, ठीक है। जैसे आपके बाद अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अकस्मात कुछ हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा ये पैकेज, ठीक है। तो ये आता है, या फिर यहाँ पर देखिए उत्तराधिकारी, यहाँ पर बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। तो उसके नीचे बच्चे का भी है, तो यहाँ पर देखिए बच्चा जोड़ें। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ आएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन। वो पढ़ने के बाद में क्लिक कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन पर और इस तरह का होगा। जैसे ही आप बच्चे का नाम डालेंगे, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपने हस्ताक्षर पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके हस्ताक्षर डालने का आएगा, तो वो सबमिट हो जाएगा। यानी जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो वो पैकेज आपके बाद आपके बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में ये है। तो वैसे तो अभी अगर बच्चों के नाम से पैकेज लेते हैं तो ले सकते हैं अपनी आईडी पर और बच्चों की आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों की आईडी पर छूट या ऑफ़र भी मिल सकता है, और दूसरी बात ये है कि उनका अभी केवाईसी नहीं होगा, इसलिए आप बच्चों की आईडी पर ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए उनकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और ओके, फिर अगर कोई ऑफ़र यहाँ पर है तो ऑफ़र भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ़र आते ही रहते हैं, उसी ऑफ़र में आप अपने पैकेज को जल्दी से जल्द बुक कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।